मैंने नया फॉर्म बनाया सिंपल, इसका नाम मैं चेंज नहीं करता हूँ, सिर्फ टाइटल दे देता हूँ। अब सुनो और से प्रोग्राम चेकबॉक्स का हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। टैक्स इसका रख देता हूँ, शॉपिंग बना ले, एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये मैंने इसका टाइटल दे दिया, ये चेंज हो गया। बाकी आप कलर फॉन्ट वो आप करते रहना, टाइम कंज्यूम होता है इस पर। आप जब तसली से भी बनाओगे तो बाकी ऑप्शंस आप डिज़ाइन से रिलेटेड ना वो आप करते रहना। अच्छा, अब हम इसमें एक लेबल डालेंगे, इसको इंटर किया, इसको थोड़ा मैं सेंटर में लाता हूँ यहाँ पर, और इसका टेक्स्ट मैं दे देता हूँ जी और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको कर देता हूँ 16 बोल्ड, और यहाँ से इसको तुम टाइम्स न्यू रोमन रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या लूंगा अब यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेता हूँ चेकबॉक्स, ठीक है। चेकबॉक्स लिस्ट या आपके ऊपर ही आप दे दो या नहीं दे दो। अच्छा, एक और चेकबॉक्स लेंगे, एक और लेंगे, चार बहुत हैं फिलहाल, चार बहुत हैं ना फिर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, इनके वो क्या कहते हैं नाम भी देने होंगे ना। आप इसको बाद में फॉर्मेटिंग के हवाले से देख लेना, वहाँ बड़ा छोटा कलर वो आप खुद ही इसका सेट कर लेना, ठीक है। यहाँ से मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ उनके, इसको कर देता हूँ मैं क्या करूँ यहाँ पे, क्या करना है मुझे कोई बताएगा क्या? समझ में आई बात, ठीक है। टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, नेम में, डिज़ाइन वाले नेम में आप इसको 1-2 रहने दो, आपकी मर्जी है। चेकबॉक्स में यहाँ इसके जो वैल्यू इसके अंदर डाला है उससे रिलेटेड डालो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वो जो आइटम का नेम है ना, वो हम लेबल से, उसको लेबल होता है इसीलिए किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्म के ऊपर कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। अब 100 तो लिखा हुआ प्राइस, अब ये प्राइस किस चीज़ का है, RS 100 करो इसको आपके ऊपर, या RS 100 कर दे, क्या ख्याल है, ये सही लगेगा, हाँ सही है ना, वो पक्का काम हो जाएगा। 400 रुपीज अक्सर की करेंसी है, पता नहीं इतने साल में तुम कमाल करते पांडे जी। अच्छा जी, चलो होता है कभी याद नहीं आता मेरे को, ठीक है। RS रुपीज हो गए, इसकी कीमत होगी, चलते लास्ट को। आइटम क्या लें बताओ, कोई बताएगा क्या लें? आईटी से रिलेटेड ही ले लें, आइटम क्या लें? जोर से बोलो, डजंट मैटर, अपने ही है सारे, बाहर का कोई नहीं है। स्मार्ट वॉच, फैशन से रिलेटेड आइटम लें, ठीक है। पहला चेंज करते हैं हम, क्या हो गया, सेकंड लेते हैं, यहाँ पे क्या दूँ, चूज लेना, ठीक है। और यहाँ पे ले लें जी, ठीक हो गया, ज्यादा ही हो गया, कुछ और ही ले लें, सन ग्लासेस कर लेता हूँ। रेबन, ठीक है, इतने फ्री में हो जाएगा, सस्ते में इतना ही मिलेगा। अच्छा, लास्ट आइटम क्या लें अभी? जींस ले लें सर। लास्ट क्या लें? जींस।
जोर से बोला आवाज नहीं। जींस ठीक है, ये भी कौन सा जींस ले लें, ब्रांड देना नहीं देना है। ठीक है जी, आइटम्स हो गए हमारे। अब एक और लेबल डालना है किसके लिए, यहाँ पे टोटल के लिए एक प्राइस देता हूँ मैं इसको, टोटल, और इसको थोड़ा बोल करता हूँ ताकि पता चले कि ये टोटल है 10। ठीक है, एक और लेबल लेता हूँ। ये लेबल आपका जो है ना वो क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स भी रख सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स नहीं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे बोल्ड, और ये इसको करता हूँ 11। ठीक है, और इसका लेबल कर देता हूँ मैं ब्लैंक, क्योंकि इसकी वैल्यू हम वहाँ देंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे इसको हमें देना है एक नाम, क्योंकि इसको हम यूज़ कर रहे हैं, याद रहे। अब लेबल्स तो बहुत सारे डाले होते हैं फॉर्म पे ना, तो जिस लेबल को हम प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक नाम दे दो, ताकि आपको याद हो कि ये लेबल हम यूज़ करेंगे, तो एक आसान नाम हो। पता नहीं आप लेबल 1 पे आपने वो प्रोग्रामिंग में उसको यूज़ कर रहे हो, या लेबल 4 है, लेबल 5 है, कौन से नंबर के लेबल है, तो इसीलिए उस जिस लेबल पे आप यूज़ करोगे, जिस पे काम करोगे, जिसकी वैल्यू जिसमें डालोगे, आप कॉल कराओगे, उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दो। यहाँ इसको कर देता हूँ मैं सम। ओके, ये लेबल 7वां है, सम हो गया, और ये इनविजिबल है। अब हम यहाँ पे देते हैं बटन्स 2। ठीक है, ये बटन मैं यहाँ ऊपर ही दे देता हूँ यहाँ पर, और इसका नाम देता हूँ BTN कैलकुलेट, सिर्फ कैलकुलेट कैलकुलेट देता हूँ। ठीक है, और इसका टेक्स्ट क्या लिखता हूँ, कैलकुलेशन। ठीक हो गया, एक और बटन लेते हैं, इस पे कोडिंग यहाँ पे इसको रख देते हैं क्या, रीसेट, इसका टेक्स्ट कर देते हैं रीसेट। ठीक है, और यहाँ जाते हैं, इसका नाम क्या करते हैं, BTN रीसेट। ओके हो गया, तकरीबन सारा काम हो गया, डिज़ाइन का काम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे रीसेट को, पहले हम करते हैं ताकि ये आसान है इसको। अच्छा, चेक बॉक्स 1। ठीक है, डॉट चेक्ड क्या हो, रीसेट करने के बाद चेक्ड क्या हो जी, इक्वल टू फॉल्स, क्यों, ट्रू, ट्रू तो किया होगा ना हमने, सही है। अच्छा, दूसरा क्या है, चेक बॉक्स 2 डॉट चेक्ड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अगले चेक बॉक्स को भी रीसेट करना है, सेम पैटर्न, कंट्रोल उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, चेक्ड है, और उसकी बिहेवियर क्या करना है हमें उसको, मतलब क्लियर करना है, डिलीट कर लो, क्लियर कर लो, फॉल्स इसको प्रोग्रामिंग में कहते हैं। लास्ट हमारा चेक बॉक्स, उसको लेंगे, उसको भी रीसेट कर रहे हैं, कंट्रोल हमारा है चेक बॉक्स, उसकी प्रॉपर्टी है चेक्ड, और बिहेवियर क्या डालना है, फॉल्स। ओके हो गया, इसको करो सेव। ठीक है, अब जरा प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं सिंपल। ठीक है जी, ये चेक लगाया, ये चेक लगाया, ये चेक लगाया, मैंने सब पे चेक लगा रहा हूँ, इसको करता हूँ रीसेट, हो गया ब्लैंक। ये सिंपल सिंपल मतलब प्रोग्रामिंग की हमने। अब हम कैलकुलेट वाला काम करने जा रहे हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है वो स्ट्रक्चर। इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमें करना है टोटल या कैलकुलेशन मेकिंग जो भी है, तो उससे पहले 4 हमने चेकबॉक्स लिए हैं, उनका नाम हमने चेंज नहीं किया। आप चाहो तो उधर चेकबॉक्स के अंदर चेकबॉक्स 1, चेकबॉक्स 2, 3, 4 की जगह पे अपना कोई नाम सी एच के बॉक्स करके उसको स्मार्ट वॉच लिख दो, CHK उसका शॉर्ट में, मतलब चेकबॉक्स का शॉर्ट लिख के उस आइटम का नाम साथ में लिख दो, ताकि आपको याद हो। आसान तरीका ये है, मैं तो जल्दी में बना रहा हूँ, आप ये पैटर्न यूज करोगे, उस कंट्रोल का एब्रीविएशन उसका शॉर्ट यूज करोगे, और जो फॉर्म पे आपने जो कंट्रोल रखा है, जिसका जो नाम उस रखा है आपने,
वो आप नाम उसके उसके कंट्रोल के एबिलिएशन के साथ दोगे ताकि आपको याद हो, वो हम इजीली यूज कर सको। तो यहाँ पे चार है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी मुझे चेंज करने की। डबल क्लिक करो इसके ऊपर जाओ, सबसे पहले हम उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और उसमें वैल्यू डालेंगे, ठीक है। पहला कौन सा है आपका, कॉन्स्टेंट, कौन सा था, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, और क्या करना था उसको, एज इंटीजर, ठीक है, इंटीजर लेंगे ना भाई, ये इंटीजर आ गया। और इक्वल टू इसको क्या करेंगे हम, 100, ठीक है, सही है, बल्कि ये नहीं देते हैं, इसको देखते हैं एरर देता है क्या करता है स्मार्ट वॉच, सॉरी कॉन्स्टेंट हम किसका ले रहे हैं भाई, ये इसका ले रहे हैं, हैं? नहीं 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 इसकी वेरिएबल ले रहे हैं, हाँ ठीक है सही है, यही दे दें, चेक करते हैं क्यों ये दे रहे हैं। दूसरा कॉन्स्टेंट क्या था दूसरा, यार देख लो ना इसमें शूज, ठीक है शूज एज इंटीजर इक्वल टू 200 कॉन्स्टेंट। तीसरा क्या था, सनग्लास था ना, ठीक है सनग्लासेस एज इंटीजर और इक्वल टू 300 और लास्ट क्या था, ये कोई मसला आ रहा है इसमें देखते हैं, जी जीन्स, अच्छा एज इंटीजर इक्वल टू 400, ये हो गया। अब क्या करना है, एक और हमें अब वेरिएबल बनाना है, किसका वेरिएबल बनाना है, डिम, ठीक है, वहां पे उस लेवल को क्या नाम दिया था हमने, सम दिया था ना, सम दिया था, तो ठीक है उस सम डिम, सम नहीं आ रहा, नहीं वो कंडीशन में हम जाएंगे, अभी तो वेरिएबल बना रहे हैं ना, सम एज इंटीजर, ठीक है, और इसका वैल्यू नहीं लेंगे हम, सही हो गया। अब हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इफ इफ चेक बॉक्स ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये चेक हो, पहला वाला चेक हो, ट्रू हो मतलब चेक, देन क्या करो, सम प्लस इक्वल टू कौन सा, सम वाला कौन सा, सम ही होगा, लेकिन इसको दो हमने नाम दिए, ये यही मसला है, हाँ ये रहा, ठीक है, लेकिन दो वेरिएबल एक साथ हमने डिफाइन किया, उसको चेंज करना पड़ेगा हमें, दिखाओ यहाँ है ना, इसको लेबल है, इसको सम नहीं देना पड़ेगा हमें, कुछ और इसका नाम बनाना पड़ेगा, सम टोटल कर देता हूं उसको मैं, क्योंकि ये सेम वेरिएबल नेम पे देगा एरर, देख रहे हो, इसको एक और नाम दे देते हैं, इसको डिजाइन पे जाते हैं, इसको कॉल नहीं करते हैं, इसको
अब सही है, लेबल का नाम हो गया। और इसको दोबारा एक प्रोग्राम को करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंटीजर बन गया, ये हो गया। ठीक है, ट्रू देन ये हो गया। स्मार्ट वॉच डॉट क्या हो, चेक दो। ठीक है, नीचे दे दो या सामने दे दो, इसको आपके ऊपर है। फिर नीचे लेना पड़ेगा ना, इसको नीचे लेना पड़ेगा। एक मिनट, क्या था, देन हो गया। फिर एंड एंड उस कंडीशन को पहले क्लोज करो, फिर दोबारा से वही ले लो, रिपीट करते जाओ। ये वैल्यू क्यों नहीं उठा रहा, ये एंड इफ ये आ रहा है इधर। फिर इफ लेंगे और दूसरा क्या था, चेक बॉक्स टू ना, टू डॉट अगर चेक हो, इक्वल टू अगर वो ट्रू हो, देन ये हो गया। तो क्या करे वो, तो वो करे सम प्लस किसके साथ बराबर है, शूज। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास डिसीजन है, इफ अगर चेक बॉक्स थ्री हो डॉट वो चेक्ड हो और वो क्या हो टू हो, वो क्या करे सम के साथ प्लस इक्वल टू बल्ला, तीसरा क्या था, सनग्लास। ठीक है, फिर एंड इफ करना है, अगर आपका लास्ट जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड हो और वो चेक्ड क्या हो ट्रू हो तो क्या करे, देन सम प्लस टू क्या था, जीन्स, एंड इफ कर दिया। और यहां पे हम डालेंगे इसको, चारों चेक बॉक्स की कंडीशन को ऐड करते करते क्या लास्ट में क्या करेगा, वो जो लेबल है आपका कौन सा, सम टोटल वाला, सम टोटल इक्वल टू सम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको ओके हो गया, ये ओके हो गया। वैल्यू करके देखें इसको, सम इक्वल टू सॉरी एक मिनट, टेक्स्ट इक्वल टू सम
इसके बराबर हो सम डॉट टू स्टूडेंट। ठीक हो गया। लेट्स सी, देखते हैं ये स्मार्ट वॉच पे एरर दे रहा है। स्मार्ट का क्या था, ये सही है? स्पेलिंग मिस्टेक है ना। लेकिन यार एक मसला है, हमें वो चेकबॉक्स की वैल्यू चेंज की थी वो, या ये खुद से हमने, ठीक है वो लेवल का नाम था, खुद से टाइप किए थे। लेट्स सी, अब देखते हैं जी, कोई चीज़ मिस नहीं है हमारे पास। सम कर दिया एंड इफ करके, यहाँ पे एंड इफ करके, और ये अलग से दे दिया हमने। ठीक है, सी क्यों दे रहा है इसको? सिंबल का नाम होगा। ठीक है, एरर आएगा इसकी वजह से, गड़बड़ होगा। ओके, सही हो गया। हाँ सही हो गया। ये वो स्मार्ट वॉच को रीड नहीं कर रहा है, एक मिनट जरा इसको छोड़ दे, वेरिएबल सही डिफाइंड नहीं हुआ है, इसको देखते हैं। ये सही हो रहा है, ये कर दिया हमने। वो वेरिएबल वही बात है, देखो सेम में जो कह रहा था ना आपको, चार पैटर्न फॉलो करने हैं, उसमें वो एक अलग नाम से डिफाइन था, फिर अलग नाम से नीचे हमने उसको अलग दिया है, प्लस करके उधर कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, तो रीसेट करेंगे, दोबारा से रीसेट हो गया ये। इस रीसेट पे ये भी दे देना, इसको भी लेवल डॉट टैक्स, ये रीसेट पे वो तो रीसेट हो गया, ये भी रीसेट करना। ये अभी आप मुझे बताओ ये कैसे रीसेट होगा, बताओ मुझे जरा। मैं रीसेट वाले पे चला जाता हूँ, इधर क्या करूँ मैं, रीसेट पे मेरा वो टैक्स भी रीसेट हो गया। पैटर्न बताओ, छोड़ो इसको छोड़ो, पैटर्न क्या है? पैटर्न सेंटेक्स, जिसको प्रोग्रामिंग में कहते हैं सेंटेक्स, सेंटेक्स हर जगह पे हम यही सेंटेक्स पैटर्न यही यूज करते हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न जिसको कहते हैं। क्या है? ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी इक्वल टू उसका बिहेवियर, ये आल टू ए से जेड तक यही पैटर्न यूज होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे अभी करना चाह रहे हैं? सम क्या है? वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? लेबल। उसकी प्रॉपर्टी कौन सी हमें करनी है? डॉट टेक्स्ट। और बिहेवियर उसका इक्वल टू क्या था? क्लियर करना है। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा उसको, और लेबल का नाम दिया था हमने सम टोटल। ठीक है, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्लियर नहीं आ रहा, टेक्स्ट डॉट क्लियर कर देते हैं इसको, नहीं आ रहा इक्वल टू क्लियर आना, क्लियर क्लियर हो गई, क्लियर होना चाहिए इसको। क्या होगा या उसको यू करके देखें, ये करके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया रिसेट। इसको क्या करना है जी? ये नहीं, ये हमारे पास यहाँ रह गया है, नहीं एंड नहीं किया, ये समय नहीं किया इसको हमने। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग या इसको हम कहते हैं डीबगिंग इक्वल टू क्या कर दिया इसको हमने? समवन डॉट किससे सम कर रहे हैं? प्लस प्लस बताओ, स्मार्ट वॉच क्या आ गया। ठीक है, इसको कर दिया सेव। अब दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को सेव करके। ठीक है, इसको करते हैं रन। ओके हो गया, अभी देखते हैं क्या देता है। ठीक हो गया, रीसेट करूँ इसको मैं, ये भी चला गया। चेकबॉक्स का हमने उसको ब्लैंक ही कर दिया, मतलब सही है। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, बाकी वही वो वाले कंडीशंस भी आप, वो भी एक एग्जांपल है। कौन सा वाला? जो हमने पहले इफ देन एल्स वाला सिर्फ जो किया था ग्रेड वाला, उसको भी आप फिजिकली फॉर्म की सूरत में बनाओ, स्टूडेंट इस तरह एडिंग लेके और नीचे मार्क्स ऑब्टेंड और ग्रेड्स इस तरह, ये आप खुद से ही करोगे आप जब आपको स्लाइडें मिलेंगी। ठीक है, अभी कम्बो बॉक्स का मैं आपको समझाता हूँ, वो आप लोग खुद करोगे। क्लियर हो गया? इसमें कुछ ऐसा पूछना हो आपको? कोई ऐसी चीज जो आपको पिक नहीं हुआ हो? अच्छा जी, इसको मैं ओपन करता हूँ, जरा विजिबल हो जाए आपको।
अच्छा, द रेडियो बटन ऑपरेट डिफरेंटली फ्रॉम द चेक बॉक्स, थोड़ा सा डिफरेंट है वो कैसे? इट मींस दैट द यूजर कैन ओनली चूज वन एटम ओनली आउट ऑफ अ नंबर ऑफ चॉइसेस फ्रॉम द रेडियो बॉक्स। रेडियो बॉक्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, रेडियो में आप डिफाइन करोगे, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही यूज़ कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे एक शॉपिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे भी दूसरा एक एग्जांपल कॉमन आप लोग फॉर्म्स में देखते होंगे, जेंडर वाला कई फॉर्म्स में होते हैं ना। आप अगर एप्लीकेशन में एक फॉर्म बनाओगे उसमें जेंडर का ऑप्शन दोगे तो मेल या फीमेल होगा, बाकी कंट्रीज में इससे भी ज़्यादा है। बहरहाल तो उसमें सिर्फ एक ही आप जेंडर चूज करोगे, तो वहाँ पे भी जब प्रोग्रामिंग में उसको यूज़ करोगे इसी तरह का कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, यही एफ एल्स वाला होगा, और उसी तरह कंपैरिजन ऑपरेटर होंगे यूज आपके प्रोग्राम के हिसाब से, वो डिपेंड अप टू यू या लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, द यूजर कैन ओनली चूज वन टी शर्ट कलर, एक टी शर्ट कलर यूज करेगा। टू डिजाइन द इंटरफेस क्या करोगे, तीन रेडियो बटन डालना है, पूरा मैंने बता दिया इसमें, ये लैब वर्क जिसको कहते हैं ना, मतलब आप जो फॉर्म डिजाइन करोगे वो मैंने इसमें पूरा बता दिया ये करना है आप। तो अगर मैं आप प्रैक्टिकली अभी नहीं भी करूँ चेकबॉक्स की तरह, ये आप खुद कर सकते हो, वो इसलिए कराया कि एक आपको समझ आ गया ये करने में इजी होगा। तीन रेडियो बटन ले लिया, एक लेबल टॉप एडिंग के तौर पर, टाइटल के तौर पर आप ले लेना, आप टाइटल कुछ भी दे लेना, ठीक है। एंड नेम दें एज नेम जो आप देना चाहो उसको, यहाँ कलर के ऊपर काम करें, टी शर्ट की बात हो रही है तो एक रेड एक ग्रीन एक येलो दे दिया हमने, नहीं आ रहा यारा, बता दिया करो, मैं इसको प्ले कर देता हूँ, वो रन हो रहा है, पता नहीं रिकॉर्डिंग लेट मी चेक, रन हो रहा है, ठीक है कंफर्म है, चेक नहीं करूँ ना, चेक कर लूँ, रन हो रहा है, ठीक है ठीक है। तीन रेडियो बटन ले लिया, रेड ग्रीन येलो में रिस्पेक्टिवली, बिसाइड दैट एड अ बटन टू कंफर्म दी चूजन कलर, चूज करने के लिए एक बटन लगा दिया, एंड अ लेबल कंट्रोल टू डिस्प्ले दी चूजन कलर। इसी तरह बटन लगाने के साथ साथ एक लेबल लगाएंगे, जैसे हमने सम के लिए किया था, यहाँ पे वहाँ पे सम वाले पे क्या होता है टोटल बता रहा था, यहाँ पे हमें कलर बताएगा जो हम रेडियो बॉक्स में चेक लगाया होगा हमने, ठीक है। अच्छा क्या, नाउ नेम दी बटन एज बटन कन्फर्म एंड दी लेबल एज एल बी एल डिस्प्ले, एल बी एल कलर, एल बी एल टी शर्ट कलर जो आप को सूट करे। फर्दर मोर यू यूज दी इफ देन एल्स डिसीजन, दूसरा टाइप इफ एल्स स्ट्रक्चर का दूसरा टाइप यूज करेंगे इसमें, मेकिंग स्ट्रक्चर टू कंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम। इन एडिशन द स्टेट ऑफ द रेडियो बटन इज इंडिकेटेड बाय इट्स चेक प्रॉपर्टी, उसी तरह चेक प्रॉपर्टी से ही चेक करेगा, ये ऑब्जेक्ट आपका रेडियो बटन है, प्रॉपर्टी इसका कौन सा चेक्ड है, आगे बिहेवियर इसकी क्या होगी, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये वो आपका फॉर्म है, ये लेबल ले लिया आपने, ये एक रेडियो बटन इसका नाम रेड दे दिया, इसका कलर वहीं से चेंज कर देना प्रॉपर्टीज के अंदर ही, ठीक है। फोर कलर है ये आपका, सामने वाला कलर फोर कलर सामने वाला, इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही, ये एक लेबल यू हैव चूजन, ये अलग है, सिंपल सा लेबल हो गया सिर्फ बताने के लिए, ये वो लेबल है जहाँ पे वो कलर चेंज होगा जिस पे आपका काम होगा, इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हो, जिसको वहाँ पे क्या दिया होता है, एल बी एल डिस्प्ले नाम दिया था, ठीक है। और ये कन्फर्म का बटन है, इसका बी टी एन कन्फर्म कर देना। दोबारा पीछे जाता हूँ, ये देख लिया, ठीक है। रेडियो बटन हमने ले लिया, हमको क्या है, रेडियो रेड, रेडियो ग्रीन, रेडियो येलो। रेडियो रेड इसका नाम कौन सा वाला नाम आप बताओ मुझे, अभी कौन सा वाला नाम इसको मिलने वाला, डिजाइन वाला नेम, टेक्स्ट वाला नेम नहीं, टेक्स्ट वाले के अंदर सिर्फ रेड लिखेंगे, टेक्स्ट वाले में सिर्फ ग्रीन लिखेंगे, टेक्स्ट वाले में सिर्फ येलो लिखेंगे, डिजाइन वाले में रेडियो रेड, रेडियो ग्रीन इसका, और रेडियो येलो जो डिजाइन वाला नेम जो इस पे नेम लिखा होता है वो, ठीक है। और इसका क्या लिखेंगे, लेबल का टेक्स्ट इसका हम ब्लैंक ही रखा रहने देंगे, क्योंकि जैसे रेड करेंगे यहाँ पे वो रेड कलर लिखा आना चाहिए, वो हम अंदर प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे। अगर ग्रीन करेंगे तो इसका टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए ग्रीन कलर, येलो करेंगे तो इधर ये उस वहाँ पे हम उसको ब्लैंक कर देंगे, टेक्स्ट कोई नाम नहीं देंगे, नेम में उसको हम एल बी एल डिस्प्ले कह दो, एल बी एल टी शर्ट कलर दे दो आसानी के लिए, ठीक है। समझ आ रही है बात, वो उसी पैटर्न में चेकबॉक्स वाले में, ठीक है। यहाँ पे हमने ये काम किया, देख रहे हो ये प्रोग्राम है आपका, उसमें ज्यादा था, इसमें एक वेरिएबल बताया हमने टी शर्ट कलर एज स्ट्रिंग, क्यों इसको डिम वो दिया हुआ है, ये चेंज होता रहेगा, तीन कलर चेंज होते रहेंगे, इसको इसीलिए कॉन्स्टेंट नहीं रखा हमने, ठीक है। वही हम कर रहे हैं काम, इफ देन एल्स वाला नहीं कर रहे हैं, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें इफ देन वाला पैटर्न ही चल रहा है, इफ देन एल्स इफ, बल्कि चौथा है, सॉरी
लास्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यूज कर रहे हैं। अगर रेडियो रेड वाला पहला चेक हो तो वो क्या करे, जो टी कलर है, टी शर्ट कलर है जो, ये इसकी बात कर रहे हैं, टी शर्ट कलर इक्वल टू इसको क्या करे, उसका टेक्स्ट ये क्या करे, इसको रेड कर दे। दूसरा क्या है, अच्छा क्या करना है इसको, ये जो लेबल इसके अंदर डला हुआ है इसका फोर कलर, ये लेबल ये कंट्रोल है, उसका नाम यूज किया है लेबल कंट्रोल है, इसका नाम ये डिस्प्ले है एलबीएल, और उसका जो डॉट प्रॉपर्टी है फोर कलर, इसके प्रॉपर्टी और बहुत सारे हैं, ठीक है, फोर कलर इक्वल टू उसका बिहेवियर चेंज करो, बिहेवियर क्या है, कलर डॉट रेड, उसको कलर उसका क्या कर दो, रेड कर दो, इसने रेड कर दिया, ठीक है। अगर रेड वाला चेक बॉक्स चेक हो, चेक दो, यहां पे ट्रू फॉल्स यूज नहीं किया, चेक दो, ठीक है, चेक लगाया हो, अच्छा दूसरा क्या है, इफ एल्स, अगर ये ना हो, ऊपर वाला कंडीशन ट्रू ना हो तो वो क्या करे, वो ना होगा, नहीं होगा, अगर ये इनमें से नहीं होगा तो राज दूसरा हो सकता है, दूसरे की तरफ जाएंगे, दूसरा कौन सा है, रेडियो ग्रीन, रेडियो ग्रीन चेक दो तो क्या करे, वही सेम पैटर्न, ऊपर उसका कलर आप टेक्स्ट चेंज कर दो ग्रीन में, उसी तरह फिर डिस्प्ले का कलर चेंज कर देना, वही ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी और उसका बिहेवियर, ऑब्जेक्ट आपका लेबल है, प्रॉपर्टी उसका फोर कलर है, और बिहेवियर हमने कलर डॉट ग्रीन कर दिया, सेम एल्स अगर वो नहीं होता, इसी तरह लास्ट वाले पे करके आखिर में एंड करोगे इफ को जब को, और लास्ट में लेबल डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टी कलर, जो टेक्स्ट का जो कलर होगा वही देना है आपको जो यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल सब कुछ प्रोग्राम हो गया चेकबॉक्स की तरह, ये आपको उस पर मिल जाएंगे, आप इसको लेके प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन अगर ये आपको आजकल में लेट मिलता है डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है, आप चेकबॉक्स वाला कर लेना, ठीक है। चेकबॉक्स के अलावा और पीछे के जो अभी किए हैं एग्जाम्पल्स उनको आप कर लेना, ठीक हो गया। इसमें ऐसी कोई चीज़ जो आपको पूछना हो, ये आपका लास्ट स्लाइड था, दो लास्ट के कंट्रोल से रहते थे। सर जैसे अभी लेवल चेक बॉक्स हम सब को सेलेक्ट कर सकते हैं।